हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पौधा आज की इस वीडियो में देख लीजिए, ये है सीताफल। और हमने बचपन में बहुत ही सीताफल खाए थे, अभी भी खाते हैं, जब भी मिल जाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और रामफल की तुलना में, है ना, रामफल की तुलना में जो सीताफल होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इसे कई जगह शरीफा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे सीताफल बोलते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी औषधीय गुण होता है, हमें पहचानना आना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट की बनने वाले हैं वीडियो, इसमें इसका औषधीय गुण आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें भयंकर आपको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो ये सीताफल है ना, प्राय आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, कहीं पे रहते हो, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और इसके द्वारा बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने पैसा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूं, अभी नहीं तो भविष्य में चल करके काम आ जाए। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको जो परेशानी हो, अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो उसका उपचार कर सकें। तो वीडियो जो होती है ना, हमारे जो हेल्थ टॉपिक के वीडियो डालते हैं, आयुर्वेद की जो आप लोगों को जानकारी सिखाते हैं, हमेशा ये फायदेमंद होती है। जानकारी अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, जानकारी जो होती है हमेशा यूजफुल होती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप उपचार नहीं करना चाहते तो लोगों को भी बता सकते हैं। हमने एक वीडियो में बताया था कि जू को मारने का काम करते हैं ना, इसके बीजों को पीस करके बालों पर लगाने से जो जू होते हैं मर जाते हैं। हमने एक वीडियो में बताए थे कि बुखार अगर किसी को हो गए हैं तो इसके प्रयोग करके, इसका काढ़ा ना, इसके पत्ते को नमक के साथ में पीस करके पेस्ट बना करके सेवन करने से ठंडा करके आने वाले जो बुखार होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। गुदा भ्रंश भी इससे उपचार होते हैं, हमने वीडियो में बताए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये गांठ के परेशानी को ठीक करता है ना, पैरों में गांठ आ जाता है, और ये शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। दो ही इसका उपचार बताऊंगा। तो अभी के समय में शुगर की बीमारी होना बहुत ही आम बात है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने के कारण शुगर की बीमारी होता है, ऐसा कभी नहीं। शुगर की बीमारी या तो मोटापा बढ़ने के कारण होता है, या गलत खान पान खाते हैं इसके वजह से होता है। तो बहुत से लोग शुगर की बीमारी हो जाने के कारण दोस्तों क्या करते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, महंगे महंगे इंसुलिन कंट्रोल करने की दवा खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक उपचार करें। प्राकृतिक उपचार से 100% डॉक्टरों ने शुगर की बीमारी को गंभीर बता दिया। अगर आयुर्वेद की हम माने ना, तो 1 से 1.5 महीने के भीतर में शुगर की बीमारी को हम जड़ से ही समाप्त कर सकते हैं, और अपने जो लाइफ स्टाइल है, अभी हम जो शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं, ये बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे और पहले जैसा हम जीवन यापन कर सकते हैं। शुगर कोई गंभीर परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ आप परहेज करेंगे, दवा सही तरीके से करेंगे, तब फायदे देते हैं। तो ये देख लीजिए, इसी का फायदा बता रहा हूँ, कैसा प्रयोग करना है, क्योंकि हम कभी कभी जंगली इलाकों में फंस जाते हैं जहाँ पे मेडिकल में मिलने वाला दवा नहीं मिल पाते। अगर मान के चले किसी को शुगर की बीमारी है और इंसुलिन लेना उनको जरूरी है, तुरंत जरूरी है, तो आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। तो दुनिया भर के लाखों लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं। तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए आपको करना क्या है, सीताफल का प्रयोग इस प्रकार से करना है। इसके पत्ते का 1 से 3 ग्राम की मात्रा में चूर्ण बना लें, इसे धूप में सुखा लें, ठीक है। इसके पत्ते 1 से 1.5 किलो रख लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, और इसके आपको पाउडर तैयार कर लेना है। और इसके पाउडर को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, इसके चूर्ण को ना पाउडर बना लें, इसका चूर्ण बना लें, तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में डाल दें, और आधा गिलास रहने तक आपको पकाना है। इसके बाद जब ये आधा गिलास रह जाए तो सुबह शाम इसे खाली पेट में सेवन करना है। तो बिल्कुल ही ऐसा हमारे प्राचीन पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। अगर 2 महीने तक सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो शुगर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वैसे सबकी तासीर जो होती है, शरीर की बनावट होती है, अलग अलग होती है, लेकिन 100% हमने देखे बहुत से लोगों में इस प्रयोग को करने के बाद शुगर की बीमारी ठीक हो गए। इसके बाद गांठ के परेशानी, गांठ है ना, गांठ होने पर लोग पके हुए सीताफल को कूट करके नमक में मिला करके लगा सकते हैं। इसका लेप करने से गांठ जो होती है जल्दी से फूट जाती हैं। कांटा लगने के कारण गांठ आ गए हैं, मोच के कारण गांठ आ गए हैं, वो गांठ ठीक हो जाती हैं। तो यही थे इसके कुछ छोटे मोटे फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। यह जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें जरूर बताना। धन्यवाद।